जी राम राम सभी को, जय श्री राम। कैसे सर, होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। सुबह का अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:30। उठा मतलब मैं सोया ही नहीं हूँ पूरी रात। कब से रविंद्र भाई के रूम में बैठा था, और वहीं पे बात कर रहे थे हम लोग बैठ के। एग्ज़ाम देने जाना था बट जाऊँगा नहीं यार, क्योंकि मूड सही नहीं है और बस नहीं जाना है। सब कुछ मेरा एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ, बट स्टिल मैं नहीं जाऊँगा। कल अभी जो है मनीष भैया ने चिकन लाया, सब कुछ लाया, बिरयानी तो डालो यार, चिकन बिरयानी प्रिपेयर करते हैं। और हाँ यार तुम डालो, चिकन बिरयानी बनाता हूँ और ये पहले मैरिनेशन के लिए रख देता हूँ। सो फार सो वेरी गुड। 1 किलो 1 पाव है, पूरा खड़ा मुर्गा है। बस हमारी बिल्डिंग की लाइट ख़राब है, मतलब इस अपार्टमेंट में लाइट नहीं है। फ्रंट वाली बिल्डिंग में लाइट है, पीछे वाली में लाइट है। अब इधर कभी आ जाएगा, इधर मैंने चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। सो लाइट आ जाएगा तो भाई माहौल सही हो जाएगा, थोड़ा सा बनाने में ईजी रहेगा। लाइट का मेन फॉल्ट यहाँ से था तो यहाँ से बन रहा है अभी। पिछले 1 घंटे से खड़े होकर लाइट बनवा रहे हैं। लाइट आ गई, अब बनाता हूँ बिरयानी मस्त वाला, सबको भूख लगा है, चलो लग जाते हैं काम पे। वेल मैंने अनियन फ्राई कर दिया, मैरिनेशन हो चुका था, 1/2 घंटा होना चाहिए, मैंने 2 घंटे तक ये ऐसे ही पड़ा रहा। फाइनली बनने के लिए मैंने इधर रख दिया, नहाया नहीं हूँ और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन लग रही है। कोई ना, रात को सोया भी नहीं हूँ, खाने का मन नहीं। मैं बना दे रहा हूँ लेकिन खाऊंगा नहीं, मन नहीं है मेरा खाने का। सो फार सो वेरी गुड। मेरे यहाँ फाइट चल रही थी रविंद्र भैया में और मनीष भैया में। वो कह रहे थे मेरे रूम में नहीं बनेगा, वो कह रहे थे मेरे रूम में नहीं बनेगा, बन रहा है बीच में दोनों रूम के। कोई हेल्प कराने नहीं आता, मुझे अकेले ही बनाना है, अकेले सब कुछ मुझे अकेले ही करना है। लास्ट में सब लोग खाना खाने आते हैं। इतना मैं अगर होने वाली अगर वाइफ के लिए कर दूँ भाई, खुश क्या, जन्नत पार खुश। यार जो मेरा चिकन है वो रेडी हो गया, बस इसमें लेयरिंग करता हूँ फटाफट से लेयरिंग करते हैं, रेडी करते हैं और खाते हैं। ये बिरयानी की मैंने लेयरिंग कर दी, लगभग 9 लेयर में मैंने बनाया है बिरयानी को। और अभी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे, घी की टॉपिंग और केसर की, बस मज़ा आ जाएगा। अपना चिकन बिरयानी बन के रेडी है, सब लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट निकालते हैं और सबके साथ। मैं खाने वाला नहीं था उस टाइम, मन नहीं किया, बट अभी वापस से कर दिया। चेयर लेके आइए बैठने के लिए। सो फार सो वेरी गुड। चेयर उधर से डगरा लाइए भाई, मजा। निकाल सबके निकाल घबरा नहीं, जहाँ लेग उठा तहाँ सब सर्विस महोदय आई है, सर्विस महोदय करा दिया भाई। हाँ, किस्मत में है लेग। अरे वाह मनीष भैया, अगर नमक डाल दिया कुछ सही हो गया, नहीं तो नमक एकदम कम रहा। गया था नमक, ग्रेवी ग्रेवी वाला लीजिए वहाँ नितिन का। अरे बाबू हाँ ये खा खा बहुत कुछ मैं 15 मिनट दीजिए हम निकाला मैं घूमता ना निकाल खराब टाइम 12:45 हो रहा है, मैंने मस्त वाला खा लिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने, मिलते हैं जब उठूंगा तब। द टाइम राइट नाउ इज 6:17, अभी सो के उठ रहा हूँ, मिलता हूँ। हाँ जी नाव आके रेडी हो लिया, अभी जाके रेडी हुए हैं। 6:33 हो रहा है, चलते हैं थोड़ा सा अभी घूमने चलते हैं। आँखों में अभी भी नींद है क्योंकि नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, नींद ही नहीं आ रही है। चलो कोई ना, साइकिलिंग पे चलते हैं,
अच्छा खासा वार्म अप भी हो जाएगा, साइकिलिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। साइकिल निकालने, कैमरा वैमरा लेके नहीं जाएंगे, बस खुद से अकेले जाना साइकिलिंग पे ईयरफोन लगा के, दैट्स इट। लेट्स गो। अकेले साइकिलिंग करने का अलग ही मज़ा आता है। चलो कहीं चल के बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। कहाँ चलें, कहीं चलते हैं, लेट्स गो। कहाँ चला जाए फिगर आउट करते हैं, पहले चलें तो। पहले चलना ज़रूरी है, तब तो मंजिल पे पहुँचेंगे। भाई चारों तरफ यहाँ से, मतलब यहाँ से एंट्री लेते ना, तिरंगा और भगवा झंडा ही दिखता है, इधर भी इधर भी। मज़ा आता है, मैं ब्लॉग में मेंशन कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मेरे को रेगुलर बेसिस पे ये सब देखने को मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। ये नीचे सब्जियाँ मिलती हैं जहाँ से मैं यूजली लेता हूँ। अभी तो ऊपर ऊपर ही राइड कर रहा हूँ। हाफ एन आवर फॉर साइकिलिंग इज डन, और आंखों में कीड़ा पड़ गया, ये रहा, निकालता हूँ। निकल गया, देखो, सो फार सो वेरी गुड। आज बहुत दिनों बाद होल्डिंग मार रहा हूँ, बहुत सालों बाद, जरूरी था भाई। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to मस्त वाली, मैं राइड निपटा के आ रहा हूँ यार। मतलब जिस रास्ते से आ रहा हूँ, रास्ता मतलब मेरी फट गई है, लिटरली फट गई है उधर, बहुत बेकार रास्ता है वो। और मैंने सोचा कि चलो डेयरिंग दिखाते हैं, इसी रास्ते चलते, लेकिन फट के हाथ में आ गई है। खैर आ गया भाई, अनजान है जिधर मैं जिम जाता था ना, जाता हूँ मतलब, अगर कभी जाना होता है तो भाई यार मम्मी को आके बताया कि भाई किधर से होके आ रहा हूँ, मम्मी दे गाली। सो इस व्लॉग को इस नोट पे इधर ही सेंड कर देता हूँ, यहाँ तक देख लियो प्लीज, मेक श्योर कि लाइक करके जा रहा हूँ। बाय, हैव I know you love me. Bye. When age, when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the